जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। और बात करते हैं दोस्तों, आज जब चंद्रमा जो है पहले घर में मिथुन राशि का होता है, इसके पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ वो, जिसमें चंद्रमा पहले घर में वृष राशि के और मेष राशि के थे, और उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और उसके पहले जो है सूर्य जब पहले घर में बैठे होते हैं, उसकी भी मैंने पूरी 12 राशियों का जो है बारे में बताया, वो अभी वीडियो अवश्य देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। किसी प्रकार की आपको कंसल्टेशंस लेनी हो, कोई क्वेरीज हो, आप जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं मेरे द्वारा, या किसी भी प्रकार का बर्थ चार्ट अपनी एनालिसिस कराना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, मेरे कॉलिंग नंबर सब दिए हुए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, अवश्य आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो जिनके पहले घर में बुध बैठा होता है मिथुन राशि का, वो उनका क्या व्यक्तित्व होता है, किस प्रकार से उनको प्रभावित करता है देखते हैं। और ये एक जनरल व्यू है, और कई चीज़ों की वजह से ये चेंज भी हो जाता है। नवमासा में उसकी पोजीशन क्या है, क्या बल है उसका, हर प्रकार की चीज़ें लगती हैं, तब जो है वो एग्जैक्ट पता चलता है ग्रह के बारे में। और ये एक जनरल व्यू होता है कि जब पहले घर में मिथुन राशि का चंद्रमा बैठा है, या कोई भी ग्रह बैठा है किसी भी घर में, तो उसका एक क्या जनरल अप्रोच होगा, हम लोगों को कौन सी उसकी कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ होती हैं, और बाद में हम लोग बात करेंगे रेमेडीज़ की भी। और जब चंद्रमा के साथ यहाँ पहले घर में मिथुन राशि में दूसरे ग्रह उनके साथ आके बैठेंगे, तब किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले घर में जब मिथुन राशि का चंद्रमा बैठा होता है, तो ऐसे लोग जो हैं समाज में सम्मानित व्यक्ति होते हैं, और हो सकता है माँ से किसी प्रकार का उनका द्वेष हो, या किसी प्रकार की उनकी अनबन हो, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा मिथुन राशि में बैठ के बहुत ज़्यादा, चंद्रमा को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बुध को क्योंकि प्रॉब्लम है चंद्रमा से, तो उनकी राशि में बैठ के एक तरीके से कभी कभार प्रॉब्लम हो सकता है। माँ से किसी प्रकार के विचार ना मिले, किसी बात पे मतभेद रहे, और परंतु हाँ, माँ का सम्मान अवश्य करेंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, और पूरा सम्मान देंगे और करना भी चाहिए। और माँ से हर प्रकार का इनको फ़ायदा है, हर प्रकार का इनको लाभ है, और माता भी जो है वो बहुत सुंदर काम करने वाली हूँ, मतलब उनका बड़ा नाम सम्मान होगा, मान होगा। और जातक अपने स्वयं के जो है पुरुषार्थ से, अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से धन कमाएगा, आगे बढ़ेगा जीवन में, और संवेदनशील होगा लोगों के प्रति, जो है वो इमोशनल एक आउटलुक होगा उसका, संवेदना रखेगा लोगों के लिए। और जो विवाह होगा उनका, तो वो भी जो अच्छा होगा, पार्टनर अच्छा होगा, सुंदर होगा, धार्मिक होगा, जो भी पार्टनर है, हस्बैंड है या वाइफ है दोनों। और खान पान का बहुत शौकीन होगा ऐसा जातक, जिनके पहले घर में मिथुन राशि में जो है वो चंद्रमा विराजेंगे जब, तो और विद्वान होगा, संगीत प्रिय होगा, और मधुर भाषी होगा, केश बहुत सुंदर हो सकते हैं, हेज बहुत अच्छे होंगे उनके, और सुखी होगा, सत्कर्मी होगा, शुभ कर्म करने वाले होंगे, और क्वाइट होंगे, शांति पसंद होंगे, शांति चाहने वाले होंगे, कवि हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, या उनके अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये क्वालिटीज़ झलकेंगी, या उनको लाइक होगा लेखन, या किसी प्रकार की पोइट्री पढ़ना, या क्लेवर होंगे, चतुर होंगे अपने जीवन में, और हास्य प्रिय होंगे, विनोद प्रिय होंगे, और बहुत जो है वो उसमें आनंद लेंगे, और बहुत अच्छा लगेगा उनको हास्य, जितने भी सीरियल्स हैं या कॉमेडी है या कॉमिक वे है ऑफ लाइफ एंड ऑफ लिविंग, ये उनको बहुत सुंदर जान प्रतीत होता है ऐसे लोगों का। और उनके ये भी देखने में आता है कि नाक जो है उनकी बहुत शार्प होती है, जिनकी चंद्रमा पहले घर में बैठे होते हैं मिथुन राशि के, दे हैव गॉट अ शार्प नोज, और शास्त्रा में भी बहुत निपुण होते हैं, शास्त्र वगैरह में, और सबको प्रसन्न रखते हैं, हंसाने वाले होते हैं सबको, इनकी कंपनी में जो है सब लोग प्रसन्न रहते हैं, इनका चंद्रमा पहले घर में मिथुन राशि में बैठा होता है, और मन की बात जान लेते हैं ये, इनके अंदर बड़ी सुंदर कला होती है, इशारों से अगर आप
इनके सामने खड़े होकर कोई इशारों में बात कर रहे हैं तो ये अंदर से जान जाते हैं, ये इनके अंदर की एक एक्सपर्टीज है, इनकी अंदर की कला है। जब चंद्रमा पहले घर में बैठा हो अगर मिथुन राशि के, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक एक जो है सुंदर मैसेंजर भी होते हैं ये, मतलब शुभ समाचार देने वाले हैं, ये भी इस तरीके का भी माना जाता है जब चंद्रमा पहले घर में बैठे हों मिथुन राशि के। और यात्रा प्रिय होते हैं, यात्राएं होती भी हैं इनके जीवन में, व्यवहार कुशल होते हैं, सबसे व्यवहार करना जानते हैं अच्छे से, व्यवहार कुशल होते हैं और भाषा में अच्छी पकड़ होती, कई प्रकार की भाषा सीख सकते हैं, उसको यूज़ भी कर सकते हैं अपना प्रोफेशनली। बहुत जो है व्यवस्थित होते हैं, बड़े प्लानर्स होते हैं, तर्क कुशल होते हैं, लॉजिकल होते हैं चंद्रमा पहले घर में मिथुन की राशि में बैठेगा तो। और अच्छे रीडर्स भी होते हैं, पढ़ने का भी इनको बहुत शौक होता है और पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है और बच्चों की तरफ से भी सुख प्राप्त होता है। कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे नकारात्मक होती हैं जब चंद्रमा पहले घर में मिथुन राशि का बैठता है, वो देखना भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभार जो है ये लोग स्वार्थी भी होते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा धन और एकदम से उसी की तरफ झुकाव इनका जीवन में हो जाता है। आँखों से रिलेटेड इनको दिक्कत हो सकती है, अगर किसी प्रकार की और प्रॉब्लम है या चंद्रमा किसी प्रकार से और वीक है तो। और परिवार में जो है किसी प्रकार का थोड़ा अनबन भी रह सकती है, किसी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग्स रह सकती हैं, थोड़े से आप इनको बहुत बलशाली या शक्तिशाली नहीं जानेंगे, थोड़े से कभी कभार डरपोक भी प्रतीत हो सकते हैं ये लोग किसी चीज़ को, और कभी कभी शंका बहुत करते हैं, शंकित भी होते हैं और कभी गलत बोल देते हैं किसी को, बोलने की नहीं इच्छा, जैसे मैंने कहा है कि संवेदनशील होते हैं लेकिन गलत बोल जाते हैं कभी किसी लोगों को, फिर उसके बाद दुखी भी होते हैं उस बात के लिए, और दिमाग कभी कभार अस्थिर रहता है, बैलेंस्ड नहीं रहता है। ये एक कमी है जो चंद्रमा जिनके पहले घर में मिथुन राशि के बैठे हुए हैं, और डिसीजन में कभी कभार गलती आ जाती है, कभी कभी ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है, इस तरीके की प्रॉब्लम भी देखी गई है जब चंद्रमा पहले घर में बुध की राशि में मिथुन में बैठेगा तो। और कभी कभार आप इनको जान सकते हैं कि निरुत्साही है, वैसे कोई उत्साह नहीं बचा है, कभी कभार इनमें ये भी चीज़ देखने में आती है, वो ये पॉइंट निरुत्साह वाला या आप ठंडा जान पड़ना इनका तभी प्रतीत होगा जब चंद्रमा पे किसी प्रकार का और नेगेटिव इफेक्ट है। हम लोग बात करते हैं दोस्तों अब कि जब चंद्रमा पहले घर में मिथुन राशि में दूसरे ग्रहों के साथ बैठता है तो किस प्रकार का फल देता है। जब चंद्रमा सूर्य के साथ पहले घर में बैठेंगे तो अच्छी स्थिति है, जातक की जो पार्टनर है वो बहुत सुंदर होगा, देखने में भाग्यवान होगा, समाज में प्रतिष्ठित होंगे, परिक्रमी होंगे, पराक्रम से जो है बहुत कुछ हासिल करेंगे और गणमान्य व्यक्ति होंगे अपने जीवन में। चंद्रमा जब पहले घर में मंगल के साथ बैठे होंगे मिथुन राशि में तो धनवान होंगे, पराक्रमी होंगे और क्रोधी स्वभाव के हो सकते हैं, रोगग्रस्त भी हो सकते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पे जो है छठे स्थान का स्वामी भी है और मिथुन लगन के लिए जो है वो शुभकारी प्लैनेट नहीं है मंगल, तो पहले घर में बैठ के किसी प्रकार की रोग की आशंका हमेशा देता है, चोट चपेट की भी। चंद्रमा बुध के साथ बैठेंगे, अति सुंदर योग है, भद्र योग बनेगा, बुध बुध जो है अपनी ही राशि में बैठेंगे, भद्र योग बनाएंगे पंच महापुरुष में और आनंददायक है, राज हर प्रकार से राजा वाली स्थिति है, ज्ञानी बुद्धिमानी हर प्रकार का धन वैभव सुख सब कुछ प्राप्त होगा। चंद्रमा जब बृहस्पति के साथ पहले घर में बैठेंगे तो बहुत ये भी अच्छी स्थिति है और विवाह के बाद जो है भाग्योदय होंगे, धनी होंगे, सुंदर होंगे और शांत जीवन एक जिएंगे, व्यवस्थित जीवन जिएंगे, बहुत सुंदर स्थिति है। गज केसरी योग चंद्रमा के साथ बृहस्पति यहाँ बनाएंगे पहले घर में बैठ के, तो सुंदर स्थिति है। चंद्रमा जब शुक्र के साथ पहले घर में बैठेंगे तो विद्यावान होंगे, बहुत विद्या बढ़ चढ़ के होगी, ज्ञानवान होंगे, यशस्वी होंगे, किसी प्रकार के कला प्रेमी होंगे ही अवश्य,
चंद्रमा के बैठने से किसी प्रकार का जो है इमेजिनेटिव पावर वैसे ही रहती है पहले घर में, और जब शुक्र के साथ बैठ जाएंगे मिथुन की राशि में तो आवश्यक है किसी प्रकार की कला की तरफ जो है वो रुझान बढ़े, और उसको बाद में वो हो सकता है अपने प्रोफेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कला प्रेमी होते हैं, सुंदर होते हैं देखने में। और चंद्रमा और शनि जब पहले घर में बैठे होंगे भाग्यवान होंगे, धनवान होंगे। शनि यहाँ पर 9th हाउस के प्लैनेट है और रिसर्च वगैरह में जाने की भी संभावनाएं हैं, और किंतु एकदम से अचानक प्रॉब्लम भी आ सकती है क्योंकि शनि यहाँ पे 8वें स्थान के स्वामी भी होते हैं, तो इसलिए किसी प्रकार की अनचाही प्रॉब्लम आ सकती है। उसके लिए पूजा पाठ थोड़ी आवश्यक है, जो मैं आपको अंत में उपचार बताऊंगा वो अवश्य करिए। चंद्रमा जब राहु के साथ पहले घर में बैठे होंगे तो किसी प्रकार का जो है हठी होंगे, अस्थिर मनोवृत्ति वाले होंगे और चतुर जरूर होंगे, ज्ञानी होंगे। राहु अच्छा करता है मिथुन राशि में बैठ के, तो उसी हिसाब से चतुर होंगे, ज्ञानी होंगे, और लेकिन जो हठी होंगे, अस्थिर व्यक्तित्व होगा, या आप कह सकते हैं कपटी भी हो सकते हैं, तो उसका भी उपचार ज़रूरी है। जब चंद्रमा राहु के साथ पहले घर में बैठे हैं और गलत तरीके से धन कमाने की वृत्ति भी आ सकती है। चंद्रमा केतु के साथ जब पहले घर में बैठेंगे तो धन की कमी दे सकते हैं, अस्थिर विचार हो सकते हैं, विचारों में बड़ा भारी जो है उलटफेर हो सकता है, माता से किसी प्रकार की अनबन बढ़ सकती है या ज़्यादा हो सकती है, उसके लिए भी उपचार ज़रूरी है। और सोमवार का व्रत ऐसे जातक करें जो इनका पहले घर में मिथुन राशि का चंद्रमा बैठा है और किसी प्रकार की उनको समस्या आ रही है, तो सोमवार का व्रत करना उनके लिए जो है बहुत शुभकारी रहेगा, और शिवजी की पूजा उनकी करना है सुंदर रहेगी बहुत ज़्यादा। कार्तिकेय जी की पूजा उनको कई प्रकार के कष्ट कलेशों से बचाएगी, दुर्गा जी की पूजा हर प्रकार से समृद्धि कष्ट चिंता परेशानी दूर करके आनंद प्रदान करेगी। आशा करता हूँ जिनका मिथुन राशि में पहले घर में चंद्रमा बैठा है वो अवश्य इस वीडियो को देखेंगे और उससे कुछ सीख लेंगे। जय श्री कृष्ण।